सत श्रीकाल दोस्तों जस पंजाबी तुडा स्वागत है मैं हाँ थोड़ी हर्स्ट गुरमीत सोरी आर वन थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर बेस्ट विशेज़ एंड ऑल योर सपोर्ट फॉर माई ट्रिप लास वीक वन आई वॉज विद मिसर प्रजिडेंट ओबामा इन द वाइट हाउस थैंक यू फॉर योर ईमेल्स योर खाइंड वर्ड्स एंड योर विशेज़ इट मीनस अ वॉट ठू मी सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट उस अज का प्रोग्राम शुरू करने Today's topic is geared, I would love to say, just for the women, but hey, men, you're welcome to watch it. If you learn some, go back and give the tips to your wives. We would love to hear what they want to hear from us. Also, as you all know, girls are growing these days, women are growing these days, everyone wants to look beautiful, everyone wants to look better than the other one out there. How are they doing it? Cosmetic surgery is so. Popular out there. Everyone is getting it done, a little nip and a little tuck over here. And over the years, there has been an increase in cosmetic surgery. How are we doing it? What are the things we need to know about it? We're going to educate you about that. Also, how important is it for you to take care of yourself? to the headache on the we take care of our headaches. We have pains in our legs, we take care of them. But have we ever thought that we should also be taking care of our breasts? Absolutely we should. You hear about breast cancer. there are different diseases out there, but there are also prevention methods for it. Is waste? you need to know what are some things that you should do to take care of yourself. I will introduce you to two wonderful doctors here. Who are going to in, it, educate you about this? Not me. You're going to hear it firsthand from them. So, hello, Dr. Needy Segel. How are you? Very good. It's a pleasure to have you here with us. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you. And we have Dr. Danielle DeLuca Paitel. How are you? I'm fine. Thank you so much for having me today. Great. It's a pleasure to have you both with us today. <laughs> Thank you very much. <laughs> well, let's start our topic, Nidhi, with you today. We will talk about And Danielle, as you tell us um, everything about the cosmetic surgery, we will keep translating it for our viewers as well. निदी आपकी स्पेशलिटी मोस्टली है टेल मी अल लिडल अबाउट दिस की ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर हैव यू सीन की इसमें इंक्रीज है और हाउ आर यू द ट्रेंड दैट यू सी ब्रेस्ट डिजीज़ेस कई सारे की हैं सबसे ज़्यादा जो चिंता करते हैं लोग वो है ब्रेस्ट कैंसर ऑफकोर्स तो सारी जो हम प्रिवेंशन सोचते हैं ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन सोचते हैं ज़्यादातर हाँ जी um, दा, सालों में तो बहुत चीजें चेंज हुई हैं mm -hmm. uh, मैं 10 साल से प्रैक्टिस करती हूँ मेरी प्रैक्टिस है ब्रेस्ट डिजीजे और ब्रेस्ट सर्जरी हर तरह की सर्जरी जो ब्रेस्ट के लिए होती है ओके कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं और ना ब्रेस्ट ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हर okay. तरह की सर्जरी होती है ओके okay. um, बहुत तरह तरह की, की बीमारियाँ हो सकती हैं ब्रेस्ट में जो कि सर कोई सोचे भी ना ओके okay. uh, सबसे कॉमन चीज जो मैं देखती हूँ रोजमर्रा में वो है ब्रेस्ट पेन फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर ब्रेस्ट पेन होता है कैंसर से नहीं होता ओके okay. पर आपको पता नहीं अगर आ, किसी पर्सन वुमन का जॉब यह है टू सिर्फ ये फिगर आउट करना कि ये ये चेंज है मेरे लिए okay. उनको नहीं फिगर आउट करना कि ये गलत है या ठीक है ओके okay. ये बताओ कि ये चेंज है मेरे लिए और इसकी वजह से हर वुमेन को हर महीने अपने आप को चेक करना चाहिए ओके okay. चाहे वो खड़े करके करें लेटे करें शावर में करें ज़्यादातर वुमेन को याद रहता है ओके okay. बेस्ट टाइम है अपने आप को चेक करने का एक हफ्ते अपने पीरियड के बाद ओके okay. चेक करने पर अगर उन्हें कुछ लगे कि कुछ डिफरेंट फील हो रहा है आपको काफ़ी महीने लगते हैं रियली अपने ब्रेस्ट को सीखने में ओके okay. ऑलमोस्ट उसके बाद महीनों बाद लगे कि ये कुछ चेंज है लास्ट महीने से तो अपने डॉक्टर को जाके बताएं Okay. कि मेरे को कुछ या तो दर्द हो रहा है या आ, कुछ डिफरेंट फील हो रहा है तो फिर वो डॉक्टर और आगे टेस्ट करेंगे ओके okay. उम्र के हिसाब से कि कब शुरू करना चाहिए इक्कीस साल की उम्र पे यूजुअली वुमेन को शुरू कर देना चाहिए एग्जामिनेशन really? करना wow, okay. वुमेन को एक्सरे कराना चाहिए चालीस साल की उम्र पर ओके okay. सबसे पहला आ, और उसके बाद हर साल mm -hmm. अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है मतलब okay. आपके कोई पास के हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है जैसे <coughs> एंट्स या मदर uh, या ग्रैंड मदर okay. तो ऑल्स जल्दी करना पड़े पर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि आपको पहला मैमोग्राम कब कराना चाहिए ओके okay. इसे मैमोग्राम कहते हैं जी हाँ एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट इज कॉल्ड ए मैमोग्राम ओके मैमोग्राम से क्या पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम होने से पहले प्रॉब्लम पता चल जाती है एग्जैक्टली exactly. जिससे पहले कि आप कोई कोई कुछ फील करें अपने ब्रेस्ट में डिफरेंट मैमोग्राम में पता चल जाता है ओके सो दो आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में कि कब लोगों को कब वुमेन को शुरू करना चाहिए मेमोग्राम uh, मेरा कहना यह है इस समय कि चालीस साल की उम्र पे पहला मैमोग्राम होना चलना चाहिए बट यू नो जैसे आपने कहा कि देर आर डिफरेंट चेंजेस हर स्टेज लाइफ की स्टेज के साथ योर बॉडी इज चेंजिंग इट्स डेवलपिंग डिफरेंटली ओके Now, अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है यू नो यू फील्प और यू फील एनी थिंग ऑन योर ब्रेस्ट विच वॉज इन दे बिफोर यू शुडर ओके और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लम्प है या कोई नॉट्स हैं तो इट्स कैंसर बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट ज़्यादातर नहीं होता कैंसर नहीं होता पर आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए अपने लिए डॉक्टर exactly. के पास जाओ और उनको डिसाइड करने दो कि क्या है और फिर वो शायद यूजली आप अपने रेगुलर फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और वो फिर आपको मेरे जैसे पर्सन के पास भेज सकते हैं जो है ब्रेस्ट सर्जन ओके okay. जिनका सिर्फ सुबह शाम यही काम है कि ब्रेस्ट को एग्जामिन करना एग्जामिन करना ओके बट आई आई एम टेक ऑफ कोर्स टॉक टू यू आल्सो कि हाउ आर द डिफरेंट वेज जैसे आपने कहा कि कोई इंसान लेट के या शावर में या खड़े होके अपने ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकता है ओके okay? बेसिक कॉन्सेप्ट चेकअप होती है आप हमें वो बता सकते बिल्कुल सो बेस सबसे जरूरी बात यह है ब्रेस्ट एग्जाम में अपने आपका ब्रेस्ट एग्जाम हमेशा एक चीज हमेशा शुरू एक राइट से करो उसके बाद लेफ्ट पे जाओ और हर महीने एग्जैक्टली वही चीज करो ओके नहीं कि कभी लेफ्ट कर लिया फिर कभी राइट कर लिया सो मच लाइक यूर ब्रेन देनाइज इकू के यूजन एक्ट ऑफ डूंगनाइज डिफरेंस इज बेटर ओके देन एंड um, ये फर्क नहीं पड़ता कि खड़े हो के करो या लेट के करो इम्पोर्टेंट okay. पार्ट um, है कि कभी स्क्वीज नहीं करना एक्चुअली आई कॉल इट प्लेंग द फैन एन द ब्रेस्ट ओके की ऐसे करके फील करना है और जब बहुत सारे लम्बस होंगे ब्रेस्ट इज मैंट टू बी लंपी दैट्स नो मो बट दैट्स वाई टेक्स सर्व मंथ टू लर्न यू ब्रैस पहली बार आप एग्जाम करोगे आपको लगा तो हर सारे दस लम्स हैं इस <laughs> ब्रैस के अंदर <laughs> <You're dying already. laughs> एक्टली exactly. ये, ये हो सकता है आपके लिए वो नॉर्मल हो ओके okay. तो यह जरूरी है कि आप जब एग्जामिन करो तो फिर अगर क्वेश्चन है तो डॉक्टर के पास जाओ और शुरू में कुछ महीने लग सकते हैं आपको सीखने के लिए okay. पर आप सीखोगे और लम्स नॉर्मल है कई बार यू डोंव टू फिगर आउट की यह नॉर्मल है कि ये नॉर्मल yeah, नहीं normal. है okay. Let the doctor do their job. Yes. Okay, great. I'll make a short break. We'll take a short break and we'll be right back. And then I also want you to tell me some of the prevention methods also sure. that people can do in various different diseases. And then we'll talk about uh, the different cosmetic surgery that seems to be on the rise these days. So stay tuned. I'll make a short break. and we'll educate you some more about this. We'll be right back.